रिजल्ट सीजन की शुरुआत ऑफिशियली टीसीएस के नंबर्स के साथ होते दिखेगी और इसी के साथ हमने देखा आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा एक्शन, टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल, टेक इनफैक्ट, मिड कैप आईटी प्लेज में भी अच्छी मजबूती के बाद साथ ही ट्रेड देखने को मिला, इंडेक्स में भी अच्छा एक्शन दिखा। इसके अलावा चाइना रीओपनिंग एक पॉजिटिव थीम है जिसके चलते हमने देखा मेटल स्टॉक्स में अच्छी खासी शाइन देखने को मिली। आज मेटल्स की चमक बढ़ती हुई देखी हमने, हिंडाल्को, नालको, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में एक पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर देखने को मिला। लाइफ इंश्योरेंस प्लेस में एसबीआई लाइफ का स्टॉक यहां पर हम देख रहे हैं, पुलर्स यहां पर कह सकते हैं सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाता हुआ और इस वक्त हीट मैप में सबसे आगे खड़ा हुआ भी आपको नजर आएगा। बैंकिंग प्लेस में एसबीआई, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए क्योंकि यहां पर भी अच्छा खासा एक्शन है। टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स में कल्याण ज्वेलर्स ने बाजी मार ली क्योंकि क्वार्टर थ्री अपग्रेड्स काफी पॉजिटिव रहे हैं, उसके बाद स्टॉक में एक पॉजिटिव मूवमेंट हमने देखा और इसी तरह हमने देखा रियल एस्टेट के भी क्वार्टर थ्री अपडेट्स आते हुए दिखे। फ्राइडे से अपडेट्स आना शुरू हुए हैं, अजमेरा रियल्टी, शोभा लिमिटेड, मैक्रोटेक डेवलपर्स जैसी कंपनियां इन्हीं अपडेट्स के चलते फोकस में हैं। दिन भर कहां से ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता हुआ या सपोर्ट मिलता हुआ दिखा, बड़े हैवी वेट्स लाइक रिलायंस अच्छे एक्शन के बीच ट्रेड कर रहे थे, इन्फोसिस, टीसीएस, भारतीय एयरटेल और एक्सिस बैंक। तो क्लियरली आईटी पैक, रिलायंस जैसे स्टॉक्स, बैंकिंग और साथ ही हमने देखा एयरटेल जैसे टेलीकॉम प्लेज ने भी बाजार को दिन भर संभालने का काम किया। लेकिन गिरावट कहां से हावी होती दिखी, टाइटन हमने देखा बिजनेस अपडेट के बाद स्टॉक बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाया और कमजोरी के साथ ही स्टॉक में ट्रेड्स नजर आए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बजाज ऑटो, श्री सीमेंट, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में रहे जहां पर लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव दिन भर हावी होता रहा। फ्राइडे सेशन में हमने देखा था मिड कैप प्लेस परफॉर्म कर रहे थे जब बाजार में कमजोरी थी, आज बाजार की तेजी के साथ साथ भी मिड कैप इंडेक्स उतना ही परफॉर्म कर रहा था, आउट परफॉर्मेंस स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में भी देखने को मिली और स्टॉक्स लाइक एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, मैक्स हेल्थ केयर, परसिस्टेंट, जाइडस लाइफ, कोफोर्ज, इन तमाम काउंटर्स में काफी बढ़िया एक्शन देखने को मिला। इसी के साथ अगर देखें बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे, अंडरटोन आपको बिल्कुल बुलिश नजर आएगा, 1285 एडवांसेस के सामने महज 800 डिक्लाइंस देखने को मिले हैं। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आपके टीवी स्क्रीन पर है, हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छा एक्शन दिखाने के बाद बाजार की क्लोजिंग हम पॉजिटिवली देख रहे हैं। आखिरी घंटों में बाजार में हमने देखा एक डिप भी जरूर नजर आया लेकिन उसके बाद बाजार ने फिर से अपने आप को संभाला और इस वक्त 18,100 के पार निफ्टी में करीब 250 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग आप देखेंगे। सेंसेक्स 850 अंकों की मजबूती दिखाते हुए 60,747 यानी कि 61,000 के बिल्कुल करीब हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट्स की ही डिफरेंस यहां पर रह गया लेकिन सेंसेक्स में भी मजबूती और बैंक निफ्टी में भी आउट परफॉर्मेंस जारी, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स के अपमूव के साथ 42,582 के स्तर पर हम देख रहे हैं। तो क्लियरली इंडेक्सेस में अच्छा एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी अच्छे दिखे, सेक्टर्स में भी बढ़िया तेजी और ट्रिगर्स जिनकी कमी थी वो भी अब आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि Q3 रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है। टीसीएस पर खास तौर से नजर रखनी होगी क्योंकि आज अब टीसीएस के नतीजे जब आते हुए दिखेंगे उसके बाद रिएक्शन कैसा आता है, आईटी सेक्टर कैसा प्ले करता है, इन पर्टिकुलर टीसीएस और उसके अलावा भी आईटी सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में क्या परफॉर्मेंस रहेगी, इस पर खास नजर रहेगी। बहरहाल आज का ट्रेडिंग सेशन 3 दिन की गिरावट के बाद बाजार ने एक अच्छी क्लोजिंग दिखाई। राजेश जी, श्रीकांत, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट पर अपना आउटलुक और साथ ही अपने ट्रेडिंग व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेट रहे हैं लेकिन आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।